बीजेपी के अपोजिट जो भी पार्टी रहती है उसका नुकसान करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज तक का कम से कम उनका जो चुनावी इतिहास रहा है वो यही बताता है। क्या करेंगे फिर आप लोग बंगाल में? देखिए, हम बंगाल का चुनाव हमारा जो काम है 10 साल का, हम उस काम के ऊपर में बंगाल की जनता के पास जाके सम्मुख होकर उनसे अपना उनका वोट मांगेंगे कि 10 साल में जो दीदी की सरकार ने, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने काम किया है, आज 34 साल के सीपीएम के राज के बाद में जहां ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब शब्द उन्होंने सुना भी नहीं था, और लास्ट 10 साल में ग्रोथ और डेवलपमेंट छोड़ के यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तो हम काम पर वोट मांगने जा रहे हैं। रहा बात, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो चाहे ओवैसी जी हो, धर्म की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग धर्म निरपेक्षता की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि यहाँ का जो आदमी है, पश्चिम बंगाल का जो जनता, पढ़ा लिखा आदमी भी हो चाहे किसी भी तरह का आदमी हो, वो ग्रोथ चाहता है, राजनीति नहीं चाहता। ठीक है, जवाब दीजिए शहनवाज हुसैन जी। धार्मिक आधार पर आप लोग बंटवारे की कोशिश करते हैं और आप तो बड़े खुश होंगे असदुद्दीन ओवैसी बिहार में फायदा पहुंचाने के बाद अब बंगाल पहुंच गए। नहीं, बिहार में हमें कोई फायदा उन्होंने नहीं पहुंचाया। वो किशनगंज लोकसभा, जहां का मैं सांसद रहा हूं, जो आज की लोकसभा है, वहीं पर वो एक सीट जीते, और उसी पुरानी लोकसभा की एक सीट वो वहां जीते थे, एक जिले तक ही सीमित वो रहे। और वहां पर जिस तरह की उन्होंने राजनीति की और जिस तरह एनडीए के लोग वहां पर मजबूती से लड़े, लेकिन उस बेल्ट में हम कभी कभी जीते हैं। जैसे आज़ादी के बाद एक बार ही लोकसभा हम जीते थे, वो मैं वहां से जीता था, उसके बाद से मुस्लिम हम वोटों का बंटवारा कर दिया ना, आप तो उनचालीस मान सीट के हम चलते जीते, हैं कि लेकिन वो मुसलमान नहीं जीते बीजेपी को वोट नहीं करता। जी ऐसे में मुस्लिम वोटों का अगर वो नहीं, बंटवारा कर हमने देंगे कभी और नहीं अपनी कहा ओर खींच लेंगे तो ये। जाहिर तौर पर उनको फायदा होगा। देखिए, हमने कभी नहीं कहा, ना हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमें सब समाज का वोट मिलता है, लेकिन हम तुष्टिकरण के राजनीति के खिलाफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आप दिखा रही थी, वो कह रहे थे कि हम हिंदू की भी चिंता करेंगे। उनकी चिंता की जरूरत नहीं, उनकी पार्टी का नाम ही है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों की पार्टी। वो एक नई मुस्लिम लीग है जो बंटवारे की राजनीति यहाँ कर रही है, वो रजाकारों से निकली हुई पार्टी है। वो पार्टी कहीं जाए, भारतीय जनता पार्टी और उनका कोई रिश्ता नहीं है। हम उनके काम लड़ने से हमें कोई फायदा होगा ऐसा ना हम मानते हैं ना हम लेना चाहते हैं। हम तो ये मानते हैं कि बंगाल की जनता माँ माटी मानुष की राजनीति की जगह गोली बम बारूद की राजनीति से पीड़ित हो गई है। वहां के लोगों को बदलाव चाहिए, वहां भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। और जब बंगाल के लोगों को जिस तरह से तबाह और बर्बाद किया गया है, आज वहां पर कोई पार्टी नहीं है चित्रा विवेक जी, गुप्ता जी, न हिम्मत है कांग्रेस में न कम्युनिस्टों में। हाँ। लड़ रहा है कोई ममता जी के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ जल्दी रही से है। आप जवाब दे हमारे दीजिए, उन्होंने साथ कहा है कि हम आप 100% साल के वोट में जाएंगे। ठीक है, 10 सालों के ओवैसी शासन साहब, की उपलब्धियां गिनाकर आप जरूर जा रहे हैं मैदान में, लेकिन कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि रही भय नहीं, और बीजेपी ही बड़ी चुनौती बनने वाली है ममता बनर्जी के लिए। चित्रा जी, मैं सिर्फ दो बातें बहुत जल्दी से कहना चाहूंगा। ओवैसी जी के खुद के पार्टी से पाशा जी ने अभी अभी उनका साथ छोड़ा, ये कहते हुए कि वहां सारे बीजेपी का काम होता है। तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी पार्टी के, ओवैसी जी के पार्टी के लोग कह रहे हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जब हम लोग सरकार कोई काम करती है तो पूरे, जैसे दीदी पूरे 11 करोड़ जनता के लिए काम करती है, उसमें भेदभाव करने का कहीं कोई स्कोप नहीं रहता कि हम कोई तुष्टिकरण करें। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है, आज शहनवाज भाई हमको ये बताए यहाँ पे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, जो स्कीम निकालते हैं वो 130 करोड़ भारतीयों के लिए होती है। उसी तरह जब ममता बनर्जी कोई काम करती है तो 11 करोड़ बंगाली जनता के लिए होती है। यहाँ तुष्टिकरण का कहीं स्कोप ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। बीजेपी तो कहती है ना कि केंद्र से जो योजनाएं बनाई यही जाती हैं पश्चिम विवेक बंगाल जी, जाते जाते यही वो जगह रेलगाड़ी रोक देती है ममता बनर्जी, नहीं, और जगह बार बार ये सत्तर है लाख कि किसानों का हवाला आपको भी दे रही है वहां बीजेपी। हाँ बोलिए शहनवाज जी। वहां दुर्गा जी की उस टाइम में यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। भ्रम ये है कि वहां पर आप मालदा हो या मुर्शिदाबाद का इलाका हो, आप एक समाज की चिंता करते हैं। सीखिए बीजेपी से, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आप लोग वहां ये समझते हैं कि ये वोटर आपके हैं, और वोट की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति। हम ये नहीं कह रहे कि समाज के हर वर्ग के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किसानों के लिए कहाँ काम किया? जो किसानों के अकाउंट में पैसा जाना था आपने रोक दिया, हेल्थ इंश्योरेंस जो मिलना था आपने सबका रोक दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान,
सबको वो हेल्थ इंश्योरेंस हम दे रहे थे, आपने वो नहीं देने दिया। आप लोग जिस तरह की सियासत वहां पर कर रहे हैं, बंगाल की जनता को विकल्प एक ही है। और आप लोग हर बार कहते हैं कि बीजेपी कुछ नहीं है, लोकसभा के चुनाव से पहले भी कहते थे, तो हम 18 सीट जीत कर आए विवेक जी, आपने देखा। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है, दीदी ने ये बात तो जैसे भाई भतीजा बात किया, वैसे बंगाल में नहीं थे तब बीजेपी अगर 42 में से 18 सीटें जीत जाती है तो बड़ी चुनौती। आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं विवेक गुप्ता जी? उसके बाद संगीत रागी जी और मौलाना अली कादरी में आ गई हूँ आपके पास। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, 2019 में तो वहां पर थे नहीं असदुद्दीन अवैसी और 42 में से कितनी सीटें 18 जीत ली बीजेपी ने, तो फिर आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं कि पैसे लेकर हैदराबाद की एक पार्टी आती है पश्चिम बंगाल में और वो बीजेपी को जिताने का काम करती है वोटों का बंटवारा करके मुसलमानों का? मैं चित्रा जी सबकी याददाश्त दुरुस्त कर दूं, 2019 के चुनाव में भी ओवैसी जी कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिए थे मगर वो कैंपेनिंग पूरे राज्य में कर रहे थे। और 2019 की अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो बंगाल में कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ उन्होंने भाषण भी दिया और किस किस कैंडिडेट को सपोर्ट भी किया था। रही बात, अरे उनके पार्टी से तो कोई नहीं उतरा था ना विवेक जी? वो नहीं, वो तो देखिए पार्टी से उतरे चाहे मैसेज दें उनके, भाई जो भी उनके सपोर्ट करने वाले हैं उनको मैसेज तो चला ही गया था ना कि क्या करना है नहीं करना। रहा बात यहाँ पे शहनवाज भाई ने किसानों की बात उठाई, हेल्थ इंश्योरेंस की बात उठाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम एक भारतीय संविधान में एक फेडरल ढांचे में रहते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके, एक संघीय ढांचे को बाईपास करके काम करना पड़ रहा है उनको? अरे भाई अगर हमने कोई चोरी चकारी हुआ है तो आप उसकी जांच कर लीजिए, उस पर एक्सपोज करिए, स्कैम कर इन्वेस्टिगेशन। आप तो रोज यहाँ पे केंद्रीय जांच एजेंसी भेज रहे हैं। आज बंगाल में लगता है पूरे भारत में कहीं कोई क्राइम नहीं हो रहा है क्योंकि भारत की जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां सारे के सारे बंगाल में एक्टिव हो रखी है।